गाइज, ये वाला जो व्लॉग है ये पूरा टॉकेटिव व्लॉग रहने वाला है। मैं इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कहाँ से कैसे क्या जाना है, और ये थोड़ा लंबा व्लॉग रहने वाला है क्योंकि पूरा मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कि कैसे और आप किस तरह से वहाँ पे पहुँच सकते हो। और मैं लोकेशन अभी नहीं बताऊँगा, ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो आप व्लॉग देखिए और इन्जॉय कीजिए। ये प्रॉपर अपना व्लॉग 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 टाइप रहने वाला है। इसमें मैं कुछ सिनेमैटिक शॉट्स या ऐसा कुछ नहीं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें से पूरे के पूरे सिनेमैटिक शॉट्स रहेंगे और उसमें टॉकेटिव नहीं होगा कुछ भी। तो ये वाला व्लॉग इन्फॉर्मेटिव है। इसका जो पार्ट टू रहेगा, जो इस पर मैं पूरा सिनेमैटिक बनाऊंगा, वो प्रॉपर सिनेमैटिक शॉट्स रहेंगे। तो आप वीडियो इन्जॉय कीजिए। लाइट चालू करना। मेरा फोन किधर है? और दोस्तों क्या हालचाल? तो गाइस फाइनली जा रहे हैं 2 दिनों के लिए बाहर। कहाँ जा रहे हैं मैं अब भी नहीं बताऊंगा, लोकेशन पे पहुंचूंगा तब बताऊंगा। तो अभी होते हैं तैयार और मिलते हैं थोड़े टाइम बाद। अभी हम लोग निकल रहे हैं गाइस यहाँ से। ठंडी इतनी ज़्यादा तो है नहीं, पर हाँ नॉर्मल ठंडी है यहाँ पे। फिर भी हमने सेफ्टी स्वेटर सब गैजेट सब पैक करके हम लोग रेडी है क्योंकि अभी हमको रोड बाइक रोड ट्रिप करनी है तो ठंडी लगेगी, उस वजह से हमने स्वेटर पहना है। तो गाइस सबसे पहले हम अभी अपनी गाड़ी को पूरा पेट्रोल फुल करेंगे। खाना देंगे। हाँ, गाड़ी को खाना देंगे। गाड़ी को खाना देंगे। तो गाइस बजे सुबह के 6 और हमने क्या क्या लाइक ट्रैवल क्या किया अभी तक? तो अभी फिलहाल हम लोग पहले महापे से निकले, देन बाद में कल्याण शिल फाटा, देन डोंबिवली से क्रॉस करके अभी अंबरनाथ रोड के लिए हम लोग निकले। एंड आप रोड देख सकते हो, बहुत सेक्सी रोड है। और आगे अभी बदलापुर तक जाएगा तो आगे आगे देखो होता क्या है। तो अभी हम लोग इडली वाले के यहाँ पे आए, हमको बहुत भूख लगी है। तो हमारे साथ है, आपका नाम क्या है सर? प्रदीप। प्रदीप सर है। हम अभी खाएंगे इडली मेंदू वड़ा एकदम खतरनाक वाला। अगर आप ये रोड पे आ रहे हो तो यहाँ पे आइए, प्रदीप जी के हाथों से इडली मेंदू वड़ा खाइए, मजा आ जाएगा। कितना ट्रैवल कर लेता है तेरा? कितना ट्रैवल कर लेता है? 40 में था, उसको पूछ, मैं बोल रहा हूँ उसको भागो के भगाओ के मुझे पता नहीं। मस्त गरम गरम सांभार है एकदम, लाल चटनी है क्या दादा? हाँ वो भी डालो, सब डालो। क्या गरम गरम सांभर है? मैं इधर बोल रहा था ना तेरे को, हाँ पे भगाओ गया सही है। तो गाइस हमने इडली खा ली है, अब यहाँ से हम निकल रहे। चलो प्रदीप भाई बहुत मजा आया। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो प्रदीप भाई की इडली भूलना मत। फाइनली देख रहे हो सुबह होनी चालू हो गई है। ये भाई तुम ठंडी इतनी नहीं लग रही है पर फिर भी थोड़ी थोड़ी है ऐसा, मतलब मौसम अच्छा है। तो गाइस कैसे भी करके हमने फिर बहुत सारे लोगों को पूछ पूछ के फाइनली हम लोग ये रोड पे पहुंचे। ये है माथेरान का घाट चढ़ने वाला रास्ता, आपको यहाँ तक पहुंचना है। यहाँ से अब बीच में कड़ियावर्चा गणपति जो है वो आएगा, वहाँ से मेन ट्रैक हमारा चालू होगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको घाट चढ़ना है, जैसे अगर आप घाट चढ़ रहे हो तो आप सही रास्ते पे हो। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पर। मैं बड़े ये प्रॉपर डेस्टिनेशन तो नहीं कहूँगा मैं, पर हम यहाँ से हमारा ट्रैक चालू करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे दोस्त जो है वो बाइक पार्क कर रहे हैं। तो हम आज हम आए हैं पेप फोर्ट माथेरान में। हाँ गाइज हम पेप फोर्ट कर रहे हैं आज, और पेप फोर्ट जाने के लिए 2 रास्ते हैं। जो 2 सही रास्ते हैं वो मैं आपको इसमें बताऊँगा। वैसे बहुत सारे रास्ते हैं, लोग खो भी जाते हैं, पर 2 रास्ते जो है उसमें से पहला रास्ता जो है वो है नेरल स्टेशन से आपको टैक्सी लेनी होगी जो आपको माथेरान स्पॉट पे पहुंचाएगी। वहां से आपको 50 रुपीज़ एंट्री देनी पड़ेगी और वहां पे आप लेफ्ट साइड जाओगे तो वो जो लॉन्च है जहां से स्टेशन है वहां है, और उसके अपोजिट साइड और एक ट्रैक जाता है, आपको वहां से जाना है। वो आई थिंक सो थोड़ा डिफ़िकल्ट रूट है और थोड़ा लंबा रूट है। दूसरा रूट अमन लॉन्च से, बेसिकली अमन लॉन्च आप जैसे आप 50 रुपीज़ पे करते हो तो वहाँ पे अमन लॉन्च आ जाता है, और वहाँ से उसके ऑपोजिट साइड जो है ट्रैक आपको वहाँ से जाना है नेरल, वहाँ से जाना है पेप फोर्ट के लिए।
तो वो एक रास्ता है। दूसरा रास्ता जो है, अब जैसे ये घाट चढ़ते हो, जैसे कि हम आपने देखा कि हम पीछे पूरा घाट चढ़ के जब ऊपर आते हैं माथेरान के लिए, जब ऊपर घाट चढ़ते हैं तो बीच में ध्यान रखना गाइस, बीच में बोर्ड आता है गणपति जी का। आप देख सकते हो गणपति जी का यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कड़ियावरचा गणपति निसर्ग राजा। और यहाँ से ये जो ट्रैक है आपको ये फॉलो करनी है। ये एक सॉर्टेड रास्ता है, मैं कहूँगा वो वाले रास्ते से तो ये सॉर्टेड है। यहाँ से आपको एक घंटा वॉक है और उसके बाद जो है एक बेल आती है, वहाँ से मेन ट्रैक चालू होता है आपका। क्या देख, आप देख सकते हो गाइस कितनी सेक्सी हमारी रज्जो रानी। ओ माय गॉडी, ओ माय गॉडी, हुज योर डैडी, हुज योर डैडी, हुज योर डैडी। तो गाइस हमको आधा घंटा हो गया है और आधे घंटे से हम चल रहे हैं। बीच में बहुत सारे व्यूज अच्छे अच्छे आए, वैलीज आए, सेक्सी व्यूज है और मज़ा आ रहा है। हमने स्पीकर लाया था उसमें गाना भी बजा रहा है। आपको चलते आना है बेल तक। अभी तक हम बेल तक नहीं पहुँचे, लेकिन हम लोग को एक बोर्ड दिखा है जिसके ऊपर पेब लिखा है। आप देख सकते हैं, मैं पास में जाऊँगा, गोप्रो में इतना दिखेगा नहीं। देखो वो जो है पेब लिखा है वहाँ पर। तो हम बेसिकली सही रास्ते पर। आप देख सकते हैं पेब लिखा है और जैसे ही आप ये बोर्ड के साथ आप देखोगे एक मस्त सा टर्न भी है यहाँ पे, और इसके बाद ही आई थिंक सो होना चाहिए बेल जहाँ से हमारा मेन ट्रैक चालू होगा। तो गाइज ये जो रास्ता है ये एकदम सही वाला रास्ता है। दूसरा रास्ता भी आप ट्राई कर सकते हैं पर ये वाला रास्ता फिर भी सही है। तो आप अगर आ रहे हो यहाँ पर तो ये वाला रास्ता ट्राई कीजिए। 1 2 3 गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मामा की जय। तो गाइस आप जैसे कि यहाँ से आओगे जो रास्ते से हम लोग आए, आपको ये बेल मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको घंटी बजानी है। चेतन घंटी बजा, मैं भी बजा ही लेता हूँ। आगे जाओगे तो गणपति जी की मूर्ति देखेगी, वहाँ से दर्शन करके फिर यहाँ से घंटी बजा के मेन ट्रैक जो है अब यहाँ से चालू होगा। यहाँ से चालू होगा हमारा पेब का ट्रैक। ये एक घंटा जो था ये वार्म अप था, अब जो है वो मेन ट्रैक चालू होगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरा दोस्त जा रहा है, संभलते संभलते चल चल चल। जैसे कि आप ये उतरते हो बैल से, आप जैसे नीचे आते हो तो आपको एक छोटा सा और एक मंदिर दिखेगा, एक केव जैसा दिखेगा। ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे भोलेनाथ शिवजी भगवान विराजमान है, साथ में गणपति जी भी है। इनका दर्शन लेते हुए हम आगे बढ़ते। तो गाइज मेरा दोस्त जो है वो एक जगह पर अटक गया है। तो एक रास्ता जो है यहाँ जाता है और एक रास्ता है जो यहाँ जाता है। यहाँ क्लियरली बोर्ड मारा हुआ है, फिर भी अटक गए। पेब गड़ा कड़े, तो यही रास्ता है जाने के लिए, तो हम यही रास्ते से जाएंगे। अब वो डेंजर जो पैच था वो इतना डेंजर नहीं है अपना गर्मी और विंटर में, बारिश में वो बहुत बहुत रिस्की है। और ये मैं दूसरी बार आया हूँ, मैं बारिश में भी आया था इसलिए मैं बोल रहा हूँ बारिश में वो बहुत रिस्की है, विंटर में ईजी है। और जब वो आप क्लियर करते हो तो आपको पहली सीढ़ी मिलती है जिसको आपको उतरनी है। जैसे मेरे दोस्त लोग पहले उतरे, ये दो दोस्त नमूने। अच्छा चलो अभी आगे। तो गाइस हमें वहाँ जाना है, गोप्रो में दिखेगा कि नहीं पता नहीं मुझे, पर वो ये जो पेड़ है इसके पीछे वो जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ है अपना पेब मंदिर। तो वहाँ हम जा रहे हैं, हमारे साथ है चैतन्य, आ जाइए चैतन्य जी। तो गाइस फाइनल इतना चढ़ने के बाद एक आखिरी सीढ़ी आ गई है, वो मैं दिखाऊंगा। उसके पहले ये बोर्ड आप देख सकते हो लिखा है किले पेब विकटगढ़।
आपको इसमें दिखेगा नहीं, मैं पास जाऊंगा तब दिखेगा। यहाँ पे एक सीढ़ी है, दो सीढ़ी है, वो चढ़ने के बाद मंदिर आ जाएगा। तो मोस्टली अभी 10 मिनट का बाकी है, देखते सब थक गए, गर्मी है। जो लोग ये सोचते हैं कि माथेरान में ठंडी है और पेप फोर्ट में सुबह सुबह ठंडी होगी, नहीं है इतनी ठंडी, गर्मी है, तो ये क्लियर कर रहा हूँ मैं। गाइस वो बोर्ड के आगे जैसा कि मैंने आपको कहा कि दो सीढ़ियाँ आती है जो थोड़ी डेंजरस है, आप देख सकते हैं ये सीढ़ी है, ये एक पॉइंट तक पहुँचती है, उसके बाद दूसरी सीढ़ी चालू होती है। तो चलते हैं, तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं पेप फोर्ट, जो पेप का लास्ट आखिरी स्टेज है वो है एक मंदिर, तो हम वो पहुंच गए। आप जैसे देख सकते हैं वो रहा मंदिर, हम लोग वहां थे, वहां से पूरा चल चढ़ के आए और फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। तो गाइस वो रहा मंदिर, फाइनली हमने मंदिर ख़त्म कर दिया और गर्मी बहुत है, ऐसा नहीं कि ठंडी चालू हो गई है, गर्मी बहुत है। आप देख सकते हो मेरे दोस्त की हालत, बहुत गर्मी है, लेकिन मज़ा आया, ट्रैक बहुत अच्छा। ये मानसून में मैं रेकमेंड करूँगा, आप मानसून में आइए, बहुत सॉर्टेड और बहुत सेक्सी लोकेशन है ये। तो अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।